आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे। मैं गुजरात से आई हूँ सूरत। मेरा नाम छायाबेन सदाशिव कलाल है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद में पशुपतिनाथ का दर्शन करना जरूरी है गुरुजी? और गंडकी नदी का जल भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है क्या? आप ये जल वाला जो प्रश्न है ना, इस पे दोबारा फोकस करो। ये क्या पूछ रहे हो आप जल के बारे में, गंडकी नदी के बारे में? हाँ, गंडकी नदी का जो जल अपन लाते हैं गुरुजी, तो वो भोलेनाथ पे चढ़ा सकते हैं क्या? बैठिए। प्रश्न ऐसा है, आप समझ ले और सब लोग जानते हैं आजकल तो, क्योंकि हम लोग मोबाइल पर भी काफी खेलते हैं, सर्च करते हैं और उसके बारे में सीखते रहते हैं सभी लोग। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा होने के बाद ऐसी मान्यता है पुराणों में कि पशुपतिनाथ को भी एक बार दर्शन करना चाहिए, तो फिर पूरा दर्शन हो जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा फल मिलता है। जैसे मानते हैं चार धाम करके आए तो चार धाम के बाद रामेश्वरम जाना, उसके बाद ही चार धाम का फल मिलता है। ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके, अभिषेक पूजन करके, यात्रा करके पशुपतिनाथ का भी दर्शन यात्रा करते हैं, क्योंकि भगवान शिव का ही रूप पशुपतिनाथ को भी भगवान शिव का ही दर्शन मानते हैं, उनका ही अस्तित्व वहाँ है। तो ये जो मान्यता है, इन मान्यताओं के पीछे पौराणिक कथन भी हैं, कथाएं भी हैं, और इन मान्यताओं के पीछे सभी जो शक्तियां हैं महादेव की या चार धाम की या और तीर्थों की, वो शक्तियां हमेशा हमें प्राप्त होती रहें और तीर्थों का भी हमेशा प्रसिद्धि बनी रहे। इसीलिए एक दूसरे के साथ में एक दूसरे तीर्थ का दर्शन करने का नियम बनाया है, जिससे सभी तीर्थों को हमेशा चेतनता मिले, उनका इतिहास, और वो हमेशा युग युग समाज में इसी तरह जाने जाएं, क्योंकि समाज में कुरूतियां, समाज में पाखंड और समाज में बदलाव होता रहता है, तो उस बदलाव में कभी कभी तीर्थों का बिछू हो जाता है, तीर्थ खो जाते हैं और बहुत लंबे समय के बाद फिर खोज होते होते तीर्थ सामने आते हैं। तो इसीलिए इससे हमारे तीर्थों की महिमा भी हमारे सामने, हमारे बाल गोपाल के सामने, आने वाले भविष्य के सामने हमेशा तीर्थों का भविष्य बचा रहता है, और उससे हमारे परिवार और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी कंटिन्यूटी बनी रहती है, ये भी इसका एक मतलब है। और पौराणिक कथन, बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के बाद में पशुपतिनाथ का दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया है, वैसे ही उनकी कृपा से पशुपतिनाथ का भी दर्शन आप करें, और करने से ही पूरा फल माना जाता है, तो आपको भी ये फल पूरा प्राप्त करना है, तो यथार्थ समय पर वहां भी जाएं। और मान लीजिए कभी जाना नहीं भी होता है, आपने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए और बीच में एक्सीडेंटल आपकी मौत हो गई, आप नहीं जा पाए, तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल आपको प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में आपको भगवान की पूजा का, पाठ का, तीर्थ का फल नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान कर्म का फल देते हैं। पूर्ण फल क्या है? हो सकता है वो पूर्ण फल कुछ होता होगा, क्योंकि उसके बारे में सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं जानता है कि पूर्ण फल क्या है ज्योतिर्लिंग दर्शन का। तो जो भी आप कर्म करते हैं पूजा पाठ में, तीर्थों में, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। एका तीर्थ रह जाए, एका ज्योतिर्लिंग रह जाए, मौत हो जाए, तो जो भी आपने कर लिया वो आपका है, जो रह गया वो उन्हीं का है जिनका है। तो इसलिए आपके तीर्थ का फल आप पशुपतिनाथ ना जा पाए तो भी प्राप्त होगा, और आप जाएंगे तो जो कथाएं मान्यताएं हैं वो आपको पूर्ण फल के रूप में प्राप्त होगा। इसी स्थिति में इसको समझना चाहिए। धन्यवाद।